सो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे रहेंगे। तो अगर आपको फिश के रिलेटेड डिशेस पसंद है, फिश का कुछ अच्छा रेसिपी खाना पसंद है, तो ये रेसिपी आपके लिए। तो आज जो हम लोग रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है कातला माछेर तरकारी। ज़्यादा करके ये वेस्ट बंगाल या कलकत्ता साइड में बहुत ही फेमस है। तो अगर आपको मच्छी के रिलेटेड डिश बहुत पसंद है, रेसिपी बहुत पसंद है, मच्छी का जो भाजी, मच्छी का जो डिशेस रहते हैं वो बहुत पसंद है, तो ये वीडियो आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कढ़ाई ले लिया हूँ। कढ़ाई लेके इसको अच्छे से थोड़ा सा गर्म कर लिया हूँ, क्योंकि फ्लेम मीडियम रखा हूँ। अभी इसके अंदर सरसों का तेल ऐड करेंगे। सरसों का तेल मच्छी का जो रेसिपीज़ होते हैं, चिकन का जो रेसिपीज़ होते हैं, या नॉनवेज का जो रेसिपी होते हैं, उसके लिए सरसों का तेल में आप अगर कुछ बनाएंगे तो एक जो डिश है ना, जो रेसिपी का जो टेस्ट है एकदम उठ के आता है। इसके लिए मैं सरसों का तेल लिया हूँ। तो सरसों का तेल को अच्छे से थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, ताकि जो फिश है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। और दोस्तों जो फिश है वो फिश में अच्छे से, जो मछली बाज़ार जाके मैं अच्छे से लेके आया हूँ, जो फिश है वो कम से कम 7 से 8 केजी का मच्छी है। तो उसमें से थोड़ा सा काट के मैं लेके आया हूँ, ताकि जो फिश का जो रेसिपी है वो बहुत ही अच्छा लगता है जब बड़ा फिश रहता है। तो देखिए कितना साइज़ भी एकदम जम्बो है। तो अभी इसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, मतलब शैलो फ्राई करेंगे, ज़्यादा डीप फ्राई भी नहीं और ज़्यादा हार्ड फ्राई भी नहीं। तो सबसे पहले इसमें जो मच्छी है, मच्छी को मैं मैरिनेट करके रखा था नमक और हल्दी से, जो नॉर्मल लोग करते हैं। इसमें नमक हल्दी से अच्छे से मैरिनेट करके रखेंगे, तो उसका जो स्मेल है वो निकल जाता है। तो अभी एक एक करके जो मच्छी है वो तेल में मैं छोड़ देता हूँ। अभी तेल को जो गरम रखा हो, गर्मा गर्म तेल में मैं मच्छी को अच्छे से फ्राई कर लूँगा। मच्छी अच्छे से गर्मा गर्म तेल में जब फ्राई हो रहे, उस टाइम जो मच्छी है, जो मच्छी को मैं फ्राई कर रहा हूँ, तो नीचे से थोड़ा सा तेल में जो मच्छी का जो दूसरा परत है, दूसरा साइड है, उसमें थोड़ा थोड़ा करके देते रहूँगा, ताकि जो ऊपर से भी थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा और नीचे से भी तो फ्राई हो ही रहा है। तो इस टाइम क्या होगा कि जब मच्छी को पलटी करेंगे तो नीचे से लगेगा नहीं और अच्छे से फ्राई होएगा। और मच्छी जब अच्छे से फ्राई होता है तब देखनेगा कि नीचे से अगर नहीं लगे तो मच्छी अच्छे से फ्राई हो रहा है, और अगर नीचे से मच्छी लग जाता है तो समझना मच्छी को थोड़ा थोड़ा उसको निकाल के फिर अच्छे से फ्राई करने के लिए। और आप ट्राई करें, जितना गर्मा गर्म तेल में मच्छी छोड़ेंगे उतना अच्छा है। ठंडे तेल में अगर मच्छी छोड़ेंगे तो मच्छी नीचे से लग जाएगा और फ्राई अच्छे से नहीं होएगा और मच्छी टूट जाएगा। मछली ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है, तो अच्छे से इसका कलर भी आ चुका है और टेक्सचर भी आ चुका है। तो अभी इसको और थोड़ा सा फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट तक, फिर इसको निकाल लेंगे। तो अच्छे से थोड़ा सा मच्छी देखिए कैसे अच्छे से फ्राई हो रहा है। फ्लेम को मैं मीडियम फ्लेम पे ही रखा हूँ, ताकि मच्छी अच्छे से फ्राई होए ना कि जल जाए। तो अच्छे से मच्छी फ्राई हो गया, तो अभी इसको मैं निकाल लेता हूँ। मच्छी अच्छे से फ्राई होने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा साबुत मसाला देंगे स्टार्टिंग में, ताकि जो तेल में एक अलग ही फ्लेवर आए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसमें साबुत जीरा दे रहा हूँ, 2 टीस्पून छोटा छोटा, ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। और थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर रहा हूँ, ना कि थोड़ा जल जाए। तभी इसके बाद इसमें थोड़ा सा एक तेज़पत्ता दे देंगे फ्लेवर के लिए। फिर इसके बाद इसमें दे देंगे 2 सूखी मिर्ची, मतलब ये जो तेज़पत्ता और सूखी मिर्ची, इसको मैं धो के लिया हूँ अच्छे से और इसको सूखा के लिया हूँ, ताकि अच्छे से थोड़ा फ्राई हो जाए। इसको अच्छे से थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सरसों का तेल में अच्छे से फ्राई होने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें अच्छे से फ्लेवर भी अच्छे से मिक्स हो जाता है, और एक जो स्पाइसी और एक अलग ही जो फ्लेवर आता है, वो एक अलग ही फ्लेवर मिलता है। तो इसको अच्छे से मसाला को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, मतलब मिर्ची, तेज़पत्ता और जीरा। फिर इसके बाद इसमें कांदा ऐड करेंगे। कांदा में अक्का एक अच्छा कांदा लिया हो और उसको अच्छे से चॉपिंग किया हो बारीक बारीक, ताकि कांदे का जो फ्लेवर हो अच्छे से मिले अपने को। तो कैसा है कांदा जो अच्छे से डीप फ्राई हो के जो फ्लेवर मिलता है, वो एक अच्छा सा फ्लेवर मिलता है। तो इसके लिए मैं कांदे को एकदम फाइन चॉपिंग किया हो। तो देखिए कांदे को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं मसाले में। तो जब तक कांदा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है, तब तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। कांदा ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है, जो फ्लेवर उसको आने का था वो आ चुका है। तो अभी इसके अंदर जो वेजिटेबल कटा हुआ है वो दे देंगे। कटे हुए वेजिटेबल में फ्लावर और आलू लिया हो,
जो एकदम कॉमन है, जो कॉमन भाजी में लगता ही है। और बंगाली स्टाइल में मोस्ट ऑफ जगह में आलू फ्लावर और मछली का भाजी तो आपको मिलेगा ही मिलेगा देखने के लिए। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा फ्राई अच्छे से हो जाए और थोड़ा सा स्लाइट सा रेडिश हो जाए तो फ्लेवर भी अच्छे से मिलेगा और अच्छे से टेस्ट भी आएगा। वेजिटेबल देखिए कितना अच्छे से फ्राई हो चुका है, कलर भी चेंज हो चुका है इसका और अच्छे से पक भी गया है। तो अभी इसके अंदर जो मसाला है वो ऐड करेंगे। मसाले में अदरक लहसुन और मिर्ची चॉपिंग करके इसके अंदर ऐड करूँगा ताकि जो फ्लेवर है वो अच्छे से आए। और इसके लिए मैं चॉपिंग करके ले रहा हूँ ताकि जो फ्लेवर है वो एक अलग आएगा। इसको मैं पीस के नहीं ले रहा हूँ क्योंकि पिसा हुआ जो मसाला है उसका फ्लेवर अलग आता है और जो चॉपिंग किया हुआ फ्लेवर वो अलग आता है। इसके लिए मैं अदरक लहसुन और मिर्ची को चॉपिंग करके ले आऊँ ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए ऑयल में। ऑलमोस्ट भाजी जो है वो फ्राई हो चुका है, जितना इसको फ्राई करने का था उतना फ्राई हो चुका है। अभी इस टाइम इसमें जो पाउडर मसाला है वो पाउडर मसाला दे दूंगा। सबसे पहले मैं इसमें हल्दी ऐड करूंगा। हल्दी मैं 2 चम्मच हल्दी दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा कलर भी आ जाए, थोड़ा सा अच्छा टेस्ट भी आ जाए। इसके बाद इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर दे दे रहा हूँ मैं। जीरा पाउडर कैसे भुना हुआ स्मेल आएगा और एक अच्छा टेस्ट भी आएगा। उसके बाद इसके अंदर मैं दे दूंगा थोड़ा सा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर भी सेम जो एक अच्छा सा फ्लेवर आता है, अच्छा सा टेस्ट आता है। उसके बाद इसके अंदर दे दूंगा मैं थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला के साथ थोड़ा सा एक गर्मा गर्म जो टेस्ट होता है वो गर्मा गर्म फ्लेवर आता है। इसके बाद इसको अच्छे से पूरा मिक्स कर लूँगा ताकि जो मसाला है वो थोड़ा सा गर्मा गर्म तेल में अच्छे से फ्राई हो जाए। अच्छे से फ्राई और मिक्स होने के बाद इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड करेंगे। पानी में मीडियम बाउल पानी लिया हूँ। तो अभी इसको अच्छे से मिक्स करके इसको 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में इसको छोड़ देंगे। अच्छे से धीरे धीरे बॉयल होता रहे तो उस टाइम मैं कटा हुआ टमाटो दे दूंगा। कटा हुआ टमाटो मैं 2 टमाटो लिया हूँ अच्छे से और उसको मीडियम साइज़ का काट के लिया हूँ। अभी इस टाइम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक मैं लास्ट में देता हूँ या मीडियम स्टेज पे देता हूँ ताकि एक आइडिया हो जाए कि पानी अगर सूख जाए तो कितना नमक देना चाहिए या सूखा हुआ भाजी में कितना नमक देना चाहिए। इसके लिए मैं पानी देने के बाद ही नमक देता हूँ। तो पानी देने के बाद अभी थोड़ा सा मैं नमक, मतलब टेस्ट अनुसार 2 टेबल स्पून नमक मैं इसमें दे दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा जो ग्रेवी आएगा, थोड़ा सा भाजी जो फ्लेवर आएगा उसके अंदर मीडियम सॉल्ट रहे, मीडियम एक टेस्ट आ जाए। तो अभी इसमें थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर जो फ्राई किया हुआ मछली था वो मछली इसके अंदर दे देंगे। तो इसको अच्छे से थोड़ा सा मैं मिक्स कर लेता हूँ। मिक्स करने के बाद जो मच्छी है वो मच्छी इसके अंदर दे के इसको 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम में इसको रख देंगे ताकि धीरे धीरे पकता रहे और जो फ्लेवर है वो मच्छी के अंदर अच्छे से आ जाए। तो अभी जो मच्छी है वो मच्छी इसके अंदर दे के इसको 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम में इसको रख दूंगा। 10 से 15 मिनट तक अच्छे से पकाने के बाद तो देखिए कितना अच्छे से भाजी रेडी हो चुका है। अच्छे से जो मछली का जो भाजी वो अच्छे से रेडी हो चुका है। तो अभी इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा भुना हुआ जीरा ऐड करूँगा। दूसरा गैस भी रेडी कर दिया और उसमें देखिए थोड़ा सा ही जीरा लिया हूँ मैं। तो अभी इसको गर्मा गर्म तवे में इसको अच्छे से थोड़ा सा भून लेते हैं। भूनने के बाद फिर इसको पीस के इसके अंदर दे देंगे। अच्छे से जो अखा जीरा होता है वो जीरा तुरंत भून के अगर किसी भाजी में या किसी अच्छा जो वेजिटेबल वेज नॉन वेज कुछ भी भाजी में आप देते हैं तो एक अच्छा फ्लेवर आता है और एक अच्छा टेस्ट भी आता है। तो इसके लिए मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा भून के इसको पीस के इसके अंदर मैं दे दूंगा। वह जीरा को अच्छे से कूट लिया है तो अभी गैस जो है वो फुल कर देता हूँ ताकि जो भुना हुआ जीरा इसमें ऐड करेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अच्छे से जो जीरा भुना हुआ जीरा है वो स्प्रिंकल कर देता हूँ। पूरा ही दे रहा हूँ मैं इसके अंदर ताकि थोड़ा सा ही तो जीरा था, इसके लिए मैं पूरा ही दे रहा हूँ इसके अंदर। और इसको अच्छे से थोड़ा सा 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसको मिक्स कर लेते हैं। ऑलमोस्ट जो रेसिपी है, ऑलमोस्ट जो कातला माछेर तरकारी जो है रेडी हो चुका है। तो अभी इसको सर्व करते हैं। तो ये जो भाजी है, ये जो रेसिपी है बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही खाने में अच्छा लगता है। तो आप भी ट्राई कीजिए बनाने के लिए ये रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छा लगा है
तो मेरा घर में जो फैमिली मेम्बर है वो कम है, इसके लिए जो मछली का जो क्वांटिटी है वो मैं कम ही लिया हूँ। आपके घर पे फैमिली के हिसाब से आप मछली का जो क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हो। तो देखिए ऑलमोस्ट जो भाजी है, ऑलमोस्ट जो कातला माछ है, तरकारी जो है रेडी हो चुका है, तो अभी इसको सर्व करते हैं।